हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द एलिमिनेशन मेथड। हमने क्या एलिमिनेशन मेथड के बारे में सीखा था, हम एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाना है। हमने उसमें क्या किया था, फर्स्ट जो हमारी वीडियो थी इससे पहले हमने 3.4 का फर्स्ट पार्ट था वो उसको सोल्व किया था ना। सो इन दिस वीडियो वी सोल्व द क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 का हम क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, आपको सिंपली वर्ड में प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, हमने क्या उससे इक्वेशंस डिराइव करके उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। हमें बोला है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हमने क्या है, इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं सारी इक्वेशंस के। ये इक्वेशंस आपने पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने आपको कराई थी, थोड़ी थोड़ी वैसी हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें बोला है इफ़ वी ऐड वन टू नोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम डिनोमिनेटर। देखो, जब भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर की बात की जाती है तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर कौन से नंबर्स में होता है आपको पता है, रैशनल नंबर्स होते हैं ना, कौन सी फॉर्म में होते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, है ना। सो उसमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर होता है, तो इट मीन्स हमें कोई भी रैशनल नंबर की बात किया तो हम इसमें क्या है, रैशनल नंबर को लेट कर लेंगे पी ओ एक्स ओवर वाई समथिंग एल्स। तो फर्स्टली इस ध्यान से पढ़ो क्या है, इफ़ वी ऐड वन टू डिनोमिनेटर, अगर क्या है हम वन ऐड कर दें नोमिनेटर में एंड सब्ट्रैक्ट वन फॉर फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में वन क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सो फ्रैक्शन विल बी रिड्यूसेस टू वन। सो हमारी जो फ्रैक्शन है वो कितनी रह जाती है, वन। सो ये हमारी फर्स्ट ख़त्म होगी यहाँ तक एक लाइन, ठीक है, इससे हमारी एक इक्वेशन बनेगी। उसके बाद सेकेंड है, सेकेंड के बारे में हम बाद में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए करेंगे क्या, कोई भी लेट करेंगे, लेट आ रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो हमारे एक्स ओवर वाई की फॉर्म में होते हैं या फिर पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, वही रैशनल नंबर होते हैं। तो ऊपर वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ये आपको पता ही होगा, नहीं अगर नहीं पता याद रखो कि ऊपर वाले को नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है। सो देखो इसको आगे आप यहाँ पे भी लिख भी सकते हो कि लेट द डिनोमिनेटर, नोमिनेटर इज इक्वल टू एक्स, लेट द डिनोमिनेटर इज वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें बोला है इफ़ वी ऐड वन टू नोमिनेटर, नोमिनेटर में हमने वन ऐड करना है, डिनोमिनेटर में वन क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या है, नोमिनेटर क्या है हमारा एक्स और डिनोमिनेटर क्या है वाई, लिख लिए सिंपली। सो हमें क्या बोला था, नोमिनेटर में वन क्या कर देना है, ऐड, और डिनोमिनेटर में वन क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। तो इसमें से हमने वन ऐड कर दिया, इसमें हमने वन क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। आगे क्या लिखा था कि फ्रैक्शन विल बी वन, जो फ्रैक्शन है वो कितनी बन जाती है, कितनी रिड्यूस हो जाती है, इक्वल टू वन। सो फ्रैक्शन सिर्फ वन ही रह जाती है, वन ओवर वन भी लिख सकते हो, डेट आर द सेम थिंग, सिंपली वन भी लिख सकते हो, वन ओवर वन भी लिख सकते हो। सो हमारी जो फ्रैक्शन है वो कितनी रिड्यूस हो जाती है, वन रिड्यूस हो जाती है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, वन। क्लियर हो गया। सो आगे क्या करते थे हम, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेशंस की फॉर्म में ले आएंगे, वन को करेंगे मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन से, तो एक्स प्लस वन ही आ जाएगा ना, इक्वल टू इस वन को करेंगे इधर वाई प्लस वाई माइनस वन से, तो इधर भी वाई माइनस वन ही आ जाएगा, वन की तो क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो एक्स वाई को एक साइड पे ले जाओ, एक्स वाई को इधर ले आए, माइनस का हो जाएगा ये, है ना, माइनस वन है इधर, और ये वन को उधर ले जाओ तो ये माइनस वन उधर हो जाएगा जाके, है ना। सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस टू आ गया। तो ये क्या बन गई, हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन पे, अब पढ़ो आगे। आगे हमें बोला था इट बिकम वन बाय टू, ये जो फ्रैक्शन है ये कितनी बनेगी, वन बाय टू बनेगी, बट कब, इफ़ वी ओनली ऐड, ओनली वर्ड लगाए कि सिर्फ अगर हम ऐड करें वन टू डिनोमिनेटर, कि अगर हम डिनोमिनेटर में वन ऐड करें, सिर्फ डिनोमिनेटर में, मतलब नोमिनेटर की कोई बात नहीं की गई तो नोमिनेटर को एज इट इज़ ही रख दो, जिसकी कोई बात ना की जाए उसको एज इट इज़ रखो, जिसमें सिर्फ ऐड करने के लिए बोला जाए उसमें ही ऐड करो। क्लियर हुआ। सो सिंपली फिर हम क्या लिखेंगे, हमारी फ्रैक्शन क्या थी, एक्स ओवर वाई, है ना, एक्स क्या था नोमिनेटर, ये क्या था डिनोमिनेटर। अब हमें ऐड किस में करने के लिए बोला है, सेकंड इक्वेशन में, इफ़ वी ऐड ओनली वन टू डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में वन ऐड करना है,
सो डिनोमिनेटर में वन ऐड करना है, इट मीन्स नोमिनेटर में तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, सो यहाँ पे इरेज कर दो, सिंपली आएगा एक्स, एक्स ही रह जाएगा अकेला, ठीक है, एक्स क्या है, एक्स ही रह जाएगा अकेला, क्योंकि एक्स में हमने कुछ नहीं करना, सिंपली डिनोमिनेटर में वन ऐड करना था। इट बिकम कितनी बन जाती है ये, वन बाई टू बोली हुई थी तो वन बाई टू के इक्वल रख दिया, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, टू को एक्स से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू, वन को करेंगे वाई प्लस वन से वाई प्लस वन ही आ जाएगा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो टू एक्स, वाई को इधर ले आएंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू वन के, डैट इज़ अवर सेकेंड इक्वेशन आ गई है ना। सो आगे क्या है, आप सिंपली फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड लगा के क्या है सोल्व करोगे खुद से, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ये एज वाला क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया, आप कर सकते हो एक बार, चलो मैं करवा देती हूँ। हमें बोला गया है फाइव ईयर्स एगो, फाइव ईयर्स एगो, फाइव ईयर एगो, पाँच साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी क्या थी, थ्राइस थी एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से क्या थी, थ्राइस ओल्ड थी, मतलब उससे क्या थी, बड़ी थी, नूरी थी जो वो, उससे थ्राइस क्या थी, बड़ी थी। उसके बाद टेन ईयर्स लेटर, टेन ईयर्स लेटर, टेन दस साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी थी वो क्या थी, ट्वाइस थी एज सोनू, ठीक है। सो देखती हूँ बनाते हैं कैसे, सबसे पहले मेरे को फाइंड क्या करना है, नूरी और सोनू को, सोनू की एडी एज फाइंड आउट करनी है, सो दोनों को क्या है पहले लेट कर लो, नूरी और सोनू की एज को, सो क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ नूरी इक्वल टू एक्स ईयर्स, लेट द एज ऑफ सोनू अपने आप लिख लेना इज इक्वल टू वाई ईयर्स, ठीक है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे, अब हमें बोला क्या है, फाइव ईयर्स एगो की बात की गई है, पाँच साल पहले की, तो पाँच साल पहले की बात की है तो मैंने आपको बताया पाँच साल क्या है, दोनों की एज में क्या है हम पहले, तो दोनों में से क्या करेंगे, दोनों की एज में से फाइव ईयर्स माइनस करेंगे ना। सो अगर हम फाइव ईयर एगो देखें तो नूरी की कितनी एक्स, एक्स माइनस फाइव रह जाएगी, सोनू की कितनी है वाई, सो सोनू की कितनी रह जाएगी, वाई माइनस फाइव, ठीक है। सो देखो अब हम लिखते हैं फाइव ईयर्स एगो, फाइव ईयर्स एगो नूरी की कितनी रह जाएगी, एक्स माइनस फाइव, सोनू की कितनी हो जाएगी, वाई माइनस फाइव, ठीक है, दोनों में से माइनस कर दिए। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला है, कहाँ पे, हाँ, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी है वो क्या है, थ्राइस एज ओल्ड है सोनू से, कैसे, देखो ध्यान से कैसे बनेगा, नूरी है पहले तो, नूरी वाज, सो नूरी वाज, नूरी की कितनी है, एक्स प्लस फाइव है ना, वाज या इजो तो इक्वल डाल दो, मैंने बोला है ना नूरी वाज, ये नूरी की एज होगी, वाज का इक्वल डाल दिया। आगे नूरी वाज थ्राइस, थ्राइस क्या होता है हमारा, थ्री टाइम्स, आपको शायद पहले भी बताया होगा, थ्राइस का मतलब क्या होता है, थ्री टाइम्स, तो मतलब क्या, ये थ्री टाइम्स ओल्ड है सोनू से, थ्री टाइम्स बड़ी है सोनू से, क्या है ये, थ्री टाइम बड़ी है सोनू से, तो कैसे आएगा, थ्री टाइम बड़ी है सोनू से, सोनू कहाँ पे है, हाँ ये रहा ना वाई माइनस फाइव, सो थ्री टाइम्स है क्या सोनू से, ये क्या है, थ्री टाइम्स है, क्लियर हो गया ना, थ्री टाइम्स होगी क्या सोनू से, सो थ्री मल्टीप्लाई सोनू की एज होगी। सोल्व करोगे इसको सिंपली तो कितना आ जाएगा, थ्री को वाई से किया थ्री वाई, माइनस का माइनस एज इट इज़, थ्री फाइव जो फिफ्टीन हो जाएगा, सो एक्स वाई वाले एक साइड पे ले आओ, थ्री वाई को इधर ले गए माइनस थ्री वाई बन गया, माइनस फिफ्टीन इस फाइव को इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, सो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन के, माइनस माइनस प्लस माइनस ट्वेंटी हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर हुआ, कोई साइन तो नहीं गलत डाला हमने ध्यान से, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने नूरी की एज में प्लस डाल दिया, यहाँ पे माइनस आना था, ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस का है फाइव है जो क्या है माइनस का है, सो ये फाइव उधर जाके प्लस का होएगा, तो ये कितनी आएगी हमारी वैल्यू यहाँ पे, सॉरी फॉर डैट, वैल्यू आएगी हमारी माइनस टेन, ठीक है। सो दैट इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन बन गई ये हमारी। अब चलते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन पे, सेकेंड इक्वेशन में हमें क्या बोला है, टेन ईयर्स लेटर, दस साल के बाद, तो टेन ईयर्स लेटर दोनों की एज कितनी हो जाएगी, टेन ईयर लेटर, टेन ईयर लेटर की बात की है तो लेटर में क्या है ऐड होते हैं ईयर्स है ना,
सो नूरी की कितनी हो जाएगी x प्लस टेन, सोनू की कितनी हो जाएगी y प्लस टेन, है ना। तो आगे क्या बोला है हमें, ये तो होगी कि जो आगे बोला है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, ट्वाइस क्या होता है टू टाइम्स, है ना। सो नूरी की एज है वो ट्वाइस है किससे, सोनू से। सो सिंपली फिर वही नूरी एज x प्लस टेन है जो क्या है कितनी है टू टाइम्स है सोनू से। तो इसको भी सिंपली सोल्व कर लो, x प्लस टेन इज इक्वल टू टू वाई प्लस टू टेन जा 20, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। सो x y इधर ले आए y वाली टर्म, सो 20 10 को उधर ले गए माइनस 10 हो गया उधर जाके। सो x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 10 10 आ गया, तो डैट विल बी अवर सेकेंड इक्वेशन आ गई। सो आगे क्या आप दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगा के क्या है सोल्व कर दोगे, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से सुनो, इसमें हमें बोला है, ये डिजिट्स वाला क्वेश्चन काफ़ी बार ही आता है, शायद आपको कराया पता नहीं, नहीं याद नहीं है मुझे। सो देखो जब भी हमें, पहली बात तो आपको एक चीज़ समझाऊँ, जब भी आपको टू डिजिट नंबर की बात की जाए, किसकी टू डिजिट नंबर की बात की जाए, तो आप टू डिजिट नंबर को लेट कैसे करना है, लेट द टू डिजिट नंबर। हमेशा कई बार बच्चे ऐसे कर लेते हैं टू डिजिट नंबर को एक्स प्लस वाई ले लेते हैं ना, या फिर एक्स वाई ले लेते हैं। हमेशा जब भी आपको टू डिजिट नंबर की बात की जाए तो आप कैसे लेट करोगे उसको, लेट द टू डिजिट नंबर इज, हमेशा जब भी आपको टू डिजिट नंबर की बात की जाती है तो आप उसको ऐसे लेट करोगे 10x प्लस वाई। ये चीज़ हमेशा याद में रखना, जब भी आपको टू डिजिट नंबर की बात की जाती है तो आप हमेशा ही हमेशा क्या लोगे 10x प्लस वाई। ये क्यों लेते हैं, बिकॉज मान लो अगर मेरे पास x की वैल्यू 1 हो तो 10 1 जा 10, प्लस यहाँ पे y की वैल्यू 2 हो तो 10 प्लस 1 कितना बन जाएगा 12 ही बन जाएगा, तभी आएगा हमारा टू डिजिट नंबर। तो इसलिए हमेशा जब भी हमारे पास टू डिजिट नंबर की बात की जाती है सो हम हमेशा क्या लेंगे 10x प्लस वाई, ठीक है। और जब भी उसके डिजिट्स की बात हो, जब भी, चलो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले फिर बताती हूँ। अब हमें बोला है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, देखो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर के डिजिट्स का सम, टू डिजिट नंबर के डिजिट्स का सम बोला है उन्होंने, कितना है 9 है। तो जब भी टू डिजिट नंबर के डिजिट्स की बात की जाए तो हम इसमें जो डिजिट्स है ना वो हमेशा एक्स और वाई को कंसीडर करते हैं। इसमें सिंपली अगर डिजिट्स को कंसीडर करें तो डिजिट्स क्या होते हैं एक्स और वाई होते हैं, या ये चीज़ याद रखो। तो पूरा टू डिजिट नंबर हमारा होगा 10x प्लस वाई, पर अगर अकेले डिजिट्स की बात की जाती है तो हमेशा x और y लेने हैं। हमें बोला सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, ये जो टू डिजिट नंबर है इसके जो डिजिट्स हैं x y उनका सम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसके डिजिट्स है इसका सम x प्लस वाई कितना है, डिजिट्स का सम हमारे पास 9, डिजिट्स का सम कितना है 9 है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मांगी सिंपली, ठीक है। जब भी डिजिट्स के बारे में बात की जाए कल्ला x प्लस वाई लेना है। अब ऊपर चलो सेकंड, आगे बोला क्या बोला है हमें, हाँ ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये ध्यान से देखो आगे, ऑल्सो 9 टाइम लेना है दिस नंबर, जो हमने टू डिजिट नंबर लेट किया है उसका 9 टाइम ले लो। आगे क्या इज़ है तो मतलब इक्वल टू, पहले इतना ही लो, 9 टाइम दिस नंबर ले लो, 9 टाइम दिस नंबर मतलब जो हमने टू डिजिट नंबर लेट किया था ये, ठीक है। सो 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम ये नंबर ले लिया टू डिजिट नंबर इज के लिए हमने इक्वल डाल दिया, ठीक है। 9 टाइम दिस नंबर इक्वल इज, इतना हो गया। आगे क्या बोला है हमें, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इज किसके इक्वल आता है, वो ट्वाइस द नंबर, किसका ट्वाइस करना है नंबर का, ऑब्टेन बाय, जो ऑब्टेन होता है कब कहाँ से, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, जब हम कहते हैं जो हमने लेट किया है नंबर, है ना, पहले 10x प्लस वाई, अगर हम उस नंबर के डिजिट्स को, उस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर दे, उस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर दे, रिवर्स करने से जो नंबर आएगा उसके ट्वाइस के इक्वल है, ठीक है। जो हमने लेट किया है नंबर उसके डिजिट्स को, अकेले डिजिट्स को रिवर्स करना है, डिजिट्स को रिवर्स कर दे तो उसका ट्वाइस करने करके उसके इक्वल आएगा जो हमारा पहले था, ठीक है, 9 टाइम दिस नंबर। सो अगर मैं सिंपली रिवर्सिंग,
अगर एक साइड पे बताऊं, रिवर्सिंग द डिजिट का क्या मतलब है? रिवर्सिंग का डिजिट का, रिवर्सिंग द, हमारे पास पहले नंबर था ये 10x+y, अगर मैं बोलूँ कि इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दो तो उसका मतलब क्या है? डिजिट्स क्या लेने हैं, मैंने आपको पहले ही बताया डिजिट्स का मतलब क्या है, अकेले एक्स और वाई है ना, तो रिवर्स का मतलब क्या है, वाई को एक्स की जगह पे ले आओ, एक्स को वाई की जगह पे ले आओ। रिवर्स का मतलब क्या है, एक्स को वाई की जगह पे ले आओ, वाई को एक्स की जगह पे ले आओ। तो अगर हमने कभी भी रिवर्स द डिजिट करने हो तो हमारा जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, 10y+x। तो हमारा जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, 10 को नहीं छेड़ना, ओनली डिजिट्स को रिवर्स करना है, सो एक्स और वाई को रिवर्स करना है, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 10y+x बन जाएगा। क्लियर हुआ? सो अब देखो, अब इसको इरेज करते हैं, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको रिवर्सिंग द डिजिट्स का क्या मतलब है। तो रिवर्स करने से डिजिट हमारा क्या बना है, ये बना है 10y+x। अब देखो हमें बोला है 9 times ओरिजिनल नंबर जो हमारा नंबर था वो इक्वल है, इज़ क्या था, इज ऊपर ट्वाइस था या थ्राइस था, ये ट्वाइस था, किससे, जो रिवर्स करने से आया डिजिट। सो ये क्या है, 9 times दिस नंबर इक्वल है किसके, यहाँ पे एन स्पेस नीचे लिख रही हूँ, 2 times ट्वाइस है किसके, जो नंबर हमारा रिवर्स करने से आया है। क्लियर हुआ? 9 times ओरिजिनल नंबर, 9 times ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 2 times ट्वाइस टाइम नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ये हमारी बन गई। इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा पहले मल्टीप्लाई करो अंदर दोनों को, 9 को 10 से कराया 90x+9 को हम वाई से करवाएंगे, कितना आ जाएगा 9y इज इक्वल टू 2 को 10 से किया 20y+2 को x से किया +2x आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? एक्स वाई वालों को एक साइड पर ले जाओ, चलो फिर देखते हैं, 90x है ना, 2x को उधर लेके जाएंगे, 90x-2x हो गया, देन +9y, ये 20y भी इधर जाएगा -20y, सबको एक साइड पे लेके इक्वल टू 0 के डाल दिया। ठीक है, इसको भी इधर लेंगे, इसको भी इधर लेंगे, तो इक्वल टू 0 के बन गए। 90x में से 2x माइनस किए 88x आ गया, आगे इधर 20 में से प्लस माइनस माइनस, 20 में से 9 जाएंगे कितना आ जाएगा 11x, 11y साइन 20 का आएगा, 20 के आगे कौन सा है माइनस, 11y इज इक्वल टू 0, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है 80 और 11 में से 11 कॉमन आएगा तो निकाल दो, 11 के टेबल पे 88 पे जाएगा तो कितना बचा अकेला 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 11 मल्टीप्लाई में उधर जाके 0 के नीचे क्या हो जाएगा ये डिवाइड का, सो 0/11 क्या बचेगा, ओनली 0 ही बचेगा ना, सो डैट विल बी अवर सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो ये क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया, आगे आप इसको क्या एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, मीना, अब ध्यान से इसको भी ध्यान से सुनना क्वेश्चन नंबर 4 को, हमें बोला है मीना वेंट टू अ बैंक, वो क्या बैंक में जा रही है टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़, उसने क्या विड्रॉ क्या होता है निकलवाना, विड्रॉ क्या होता है निकलवाना, उसने क्या किए हैं 2000 रुपये निकलवाए हैं बैंक से, बैंक गई उसने 2000 रुपीज़ क्या है विड्रॉ कर लिए। ठीक है, उसके बाद शी आस्क द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes ओनली, उसने कैशियर को क्या बोला है कि वो सिर्फ उसको 50 या फिर 100 के नोट्स दें, उसको क्या है या तो 50 के नोट्स दे या फिर 100 के नोट्स दे ओनली। ठीक है, आगे मीना गो 25 notes इन ऑल, मीना के पास टोटल नोट्स कितने हैं, टोटल देखो एक इसमें दो चीज़ की बात की गई है, एक तो नोट्स की बात की गई है, दूसरा रुपीज़ अमाउंट की बात की गई है, एक नोट्स की बात की गई है एक अमाउंट की। उसके पास देखो अगर देखा जाए टोटल नोट तो 25 हैं, टोटल नोट कितने हैं 25, 25 में 100 के भी हो सकते हैं 50 के भी हो सकते हैं, है ना, और उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है, जब वो पूरे सारे 25 नोट्स को गिनती है तो उसके पास अमाउंट कितनी बनती है 2000, हाँ सो उसके पास अमाउंट कितनी बनती है 2000 उसके पास अमाउंट बनती है। क्लियर हुआ? सो हमने ये चेकआउट करना है, ये फाइंड आउट करना है कि उसके पास 50 और 100 के नोट्स कितने आए, एक्चुअली में उसके पास 50 और 100 के नोट्स कितने कितने आए, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 and 100 शी रिसीव, उसने कितने रिसीव किए हैं 50 और 100 के नोट्स। तो हमने फाइंड क्या करने हैं, 50 और 100 के नोट्स फाइंड करने हैं, सो हम लेट क्या करेंगे, लेट द 50 rupees note इज इक्वल टू
एक्स 150 रुपी नोट को, हम हमेशा जो लेट करते हैं वन को करते हैं ना, लेट 50 रुपी नोट इक्वल टू एक्स 150 रुपी नोट को, हमने एक 50 रुपी नोट को एक्स लेट कर लिया, लेट 100 रुपी नोट को क्या लेट कर लेंगे, वाई। ध्यान रखो ये सिर्फ एक नोट को लेट किया है एक्स, यहाँ पे भी एक नोट को वाई, क्लियर हो गया। देखो हमारे पास अब दो इक्वेशन बनानी होती है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो एक तो सिंपल इक्वेशन बनेगी कैसे, हमें क्या बोला है सिंपली, उसके पास टोटल कितने नोट्स हैं, 25 नोट्स है ना। तो एक तो देखो अगर हम सिंपल बात करें, कहाँ पे गया, हाँ एक मिनट रुको, ऊपर कहाँ पे थी हमारे पास, हाँ हाँ उसने क्या बोला है यहाँ पे, उसको कित क्या चाहिए, 50 और 100 रुपीज़ के नोट्स चाहिए, हाँ ठीक है। तो देखो उसने 2000 रुपीज़ निकलवाए हैं टोटल, है ना। तो अगर हम देखो, अगर उसके पास क्या है, एक चीज़ यहाँ से सुनो, अमाउंट अमाउंट कैसे निकलेगी उसके पास 2000, मान लो अगर मैंने मेरे पास 10 रुपीज़ हैं, ठीक है मेरे पास क्या है 10 रुपीज़ हैं, अगर लेट कर लो मेरे पास 10 रुपीज़ हैं, मैं आपके बोलूँ मेरे पास 5 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं, ठीक है 5 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं, तो आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तभी आपके पास 10 रुपीज़ टोटल आएंगे। आप 1 रुपीज़ की कॉस्ट को नंबर ऑफ़ नोट से मल्टीप्लाई करोगे, जो उस नोट की कॉस्ट है उसको नंबर ऑफ़ नोट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएंगे, टोटल रुपीज़ आएंगे ना 10 रुपीज़। तो यही हमने करना है यहाँ पे, कैसे करेंगे, टोटल उसके पास क्या है 2000 रुपीज़ हैं, तो 2000 रुपीज़ निकलेंगे कैसे, अगर मैं 50 रुपीज़ को यहाँ पे, एक सेकंड रुको, यहाँ पे ये जो हमने नो यहाँ पे जो लेट किए हैं ना, ये टोटल 50 रुपीज़ नोट लेट किए हैं, वन की कॉस्ट नहीं, तब ये क्वेश्चन निकलेगा नहीं। सिंपली हमने 50 रुपीज़ नोट जितने भी थे उसको एक्स लेट कर दिया, और नोट्स को हाँ कितने रुपीज़ के, कितने हमारे पास नोट्स से 50 रुपीज़ नोट्स हमने लेट कर लिया, हमारे पास एक्स हैं और वाई 100 रुपीज़ जो नोट्स हैं वो हमारे पास कितने वाई हैं, वन को नहीं लेट किया याद रखो, 50 रुपीज़ नोट्स टोटल हमारे पास एक्स हैं, टोटल हमारे पास 100 के कितने हैं वाई नोट्स हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं एक ही, अब ध्यान से देखो, अगर मैं 50 को एक्स से मल्टीप्लाई करवा दूँ प्लस 100 को वाई से मल्टीप्लाई करा दूँ तो इक्वल टू 2000 के आएगा या नहीं, ध्यान से सोचो। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ़ नोट्स को, जैसे मैंने आपको बताया अभी मेरे पास 5 रुपीज़ के अगर 2 नोट्स हैं तो मैंने जितने नोट्स थे, जैसे यहाँ पे टोटल नोट्स एक्स हैं तो मैंने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, सिंपली यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे है एक्स हमारे पास टोटल नोट्स थे उसको हमने क्या 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे वाई हमारे पास टोटल नोट्स थे उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को क्या ऐड कर दिया, तो जब ऐड किया तो ये हमारे पास क्या टोटल अमाउंट निकल गई, ये क्या है हमारे पास 2000। सो ये क्या हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। सो आगे हमें एक और क्या बोला हुआ था कि हमारे पास टोटल नोट्स कितने हैं, 25 नोट्स है ना, तो टोटल नोट्स कैसे निकलेंगे, 50 के टोटल नोट्स एक्स हैं, 100 के टोटल नोट्स कितने हैं वाई हैं, तो नोट्स के अब देखो जैसे यहाँ पे अमाउंट को अमाउंट के इक्वल रखा, ये अमाउंट निकली थी मल्टीप्लाई करवा के, अब नोट्स को नोट्स के इक्वल रखेंगे तो 50 के नोट्स कितने हैं एक्स, 100 के नोट्स कितने हैं वाई, तो दोनों के नोट्स को ऐड करेंगे तो टोटल कितने बन जाएंगे 25। सो ये क्या हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। हमेशा जो भी चीज़ हमें दी हुई जैसे अमाउंट है तो अमाउंट को अमाउंट के इक्वल रखना होता है, नोट्स को नोट्स के, यहाँ पे अमाउंट को अमाउंट के इक्वल रखा गया है, यहाँ पे नोट्स को नोट्स के इक्वल रखा गया है, तो आपकी दो इक्वेशंस बन गई। तो आप क्या इसको एलिमिनेशन लगा के क्या सिंपली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन भी, अब ध्यान से सुनो, हमें आगे क्या बोला है, हमने पीछे भी किया था ऐसा कुछ फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज वाला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5th हमारा, हाँ क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी, कोई लाइब्रेरी है बस, हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। देखो जैसे हमने पीछे किया था ना ये क्वेश्चन 3.3 में, वो ऑटो रिक्शा वाला कि एक उसके फिक्स चार्ज है जो वो सबसे लेता है, एक उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चार्जेस थे, सेम ही यहाँ पे चीज़ है। ये क्वेश्चन आते हैं कई बार फिक्स चार्ज या फिर दूसरे वाले। अब देखो लाइब्रेरी है, कोई लाइब्रेरी है उसमें क्या है, कह रहे हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डे। लेट किया किसी बच्चे ने वहाँ से बुक्स ली लाइब्रेरी से, ठीक है, तो उसके ना जैसे फर्स्ट 3 डे के लिए अगर उसने बुक रखी है तो उसके जो चार्जेस हैं फिक्स हैं, जैसे मान लो फर्स्ट 3 डे के लिए उन्होंने 10 रुपीज़ रखे हुए हैं कि वो 10 रुपीज़ तो लेते ही लेते हैं, फर्स्ट 3 डे, फर्स्ट 3 डेज़ के लिए वो कितने लेते हैं 10 रुपीज़ ही लेते हैं,
चाहे वो चार बुक्स ले जाए चाहे जितनी मर्जी, कि उसने उन्होंने 3 डेज़ के लिए किया फिक्स चार्ज रखे हैं, हाँ कितने मान लो 10 नहीं है, 3 डे के लिए, ये चीज़ याद रखो। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, अगर 3 दिन से बच्चा ज़्यादा बुक रखता है, फर्स्ट 3 डे से ज़्यादा दिन रखता है बुक, तो उसके जो चार्जेस हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेज। ठीक है, जैसे फर्स्ट 3 डे में कोई भी चार्ज इंक्रीज नहीं होगा, 10 अगर फिक्स चार्ज है तो वो 10 रुपीज़ ही लेंगे 3 डेज़ के, पर अगर उसने 3 दिन से ज़्यादा, चौथे दिन पाँचवें दिन ज़्यादा दिन रख ली, तो वो डेज़ के अकॉर्डिंग क्या है उसके चार्जेस है वो क्या है इंक्रीज़ होने लग जाएंगे, उसको क्या एडिशनल चार्ज पड़ने लग जाएंगे अगर वो ज़्यादा दिन बुक रखता है। क्लियर हो गया, इतनी चीज़ क्लियर हुई। तो देखो लास्ट में एक चीज़ और पढ़ो, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। हमने फिक्स चार्ज फाइंड करने हैं एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, तो जब भी हमने दो चीज़ें फाइंड करनी होती है हम दोनों को क्या है लेट करते हैं ना, सो एक तो हम फिक्स चार्ज लेट कर लेंगे एक्स, दूसरे हम चार्ज लेट करेंगे फॉर एक्स्ट्रा डे। ठीक है, तो यही चीज़ें पहले लिख लो कहाँ पे है, फिफ्थ है ये हमारा लेट फिक्स्ड चार्ज, एक तो हमें फिक्स चार्ज ले लिए एक्स, दूसरे हमने क्या है चार्ज ऑफ एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे के चार्ज रख लिए दूसरे हमने कितने वाई। क्लियर हुआ ये दो चीज़ें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब सेंटर में हमें लाइन क्या बोली थी इसमें क्वेश्चन में, देखो कह रहे सरिता, कोई सरिता है वो पे कर रही है 27 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डे। जो सरिता है वो 7 डेज के उस सेवन डेज के लिए बुक रखी और वो कितने चार्जेस पे कर रही है 27 रुपीज़। ठीक है, टोटल वाइल सूजी, एक सूजी है वो पे कर रही है 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डे। फाइव ही है यहाँ पे, वन से क्या, यस 5 डे। तो जो सूजी है वो 21 रुपीज़ दे रही है और उसने बुक कितने दिनों के रखी है 5 डेज़ के लिए रखी है। क्लियर हुआ, अब नीचे एक बार लिख लेते हैं फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनानी कैसे है। सिंपली एक बार मैं यहाँ पे लिख दूँ, जो सरिता है उसने क्या है 27 रुपीज़ पे किए हैं, 27 रुपीज़ पे किए हैं फॉर कितने दिनों के लिए 7 डेज़ के लिए, और जो सूजी है ना उसने कितने दिए हैं 21 रुपीज़ कितने दिनों के लिए 5 डेज़ के लिए। क्लियर हुआ, अब देखो कैसे बनानी है क्वेश्चन। अब देखो एक चीज़ ध्यान से समझो, जो 7 दिन है 7 डेज़ हैं, पहले हम सरिता की बनाएंगे फिर सूजी की क्वेश्चन। 7 डेज़ में वो जो 3 डेज़ हैं वो भी तो बीच में आ रहे हैं ना, जो फिक्स चार्ज पहले 3 दिन, 7 डेज़ में से जो पहले 3 दिन है वो क्या है हमारा, वो तो फिक्स चार्ज रहेगा उसका, बंदे का जो भी सरिता है उसका 3 दिनों का चार्ज तो फिक्स रहेगा। जो एक्स्ट्रा उसके 4 दिन बढ़ गए, चौथा दिन पांचवा दिन छठा दिन और 7वां दिन, जो आपके इसके क्या 4 दिन बढ़ गए उसके अकॉर्डिंगली इसके चार्ज क्या है, इसमें ऐड जो भी हमारे फिक्स चार्ज थे हमें नहीं पता कितने हैं वो ऐड हो गए और उसकी कितने रुपीज़ बन गए 27। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, तो सबसे पहले फिक्स चार्ज कितने हैं एक्स तो लेना ही लेना है, फिक्स चार्ज ले लिए प्लस देखो प्लस उसके कितने दिन एक्स्ट्रा लगे हैं, ये तो 3 दिन के हो गए ना, ये 3 डेज़ के हैं, ऐसे 3 डेज़ के एक्स चार्ज हैं क्योंकि 3 डे में कोई बढ़ नहीं रहा, सिंपली 3 डे के एक्स ही लेने हैं। अब जो नेक्स्ट 4 डे बचे हैं है ना, तो एक्स्ट्रा डे का हमने चार्ज कितना लेट किया है वाई, ऐसी वाई एक दिन का है, एक एक्स्ट्रा दिन का लेट किया है, ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है ना एक एक्स्ट्रा दिन का वाई है, तो कितने एक्स्ट्रा डे लगे हैं उसके 4 दिन, तो कितनी आ जाएगी 4y है ना, 4y क्या आ गया उसके 4 एक्स्ट्रा डे के चार्ज इक्वल टू टोटल उसने कितना पे किया है 27। ठीक है, तो डैट विल बी अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ, आप ऐसे मत लिख देना कि यहाँ पे 3 लिख देना, 3 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या हमारे फिक्स चार्ज है, ये हमारे एक्स ही रहेंगे चाहे वो 3 दिन के लिए चाहे वो 5 दिन के लिए, उसके उसको हम मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, ये वाई के साथ मल्टीप्लाई कराया क्योंकि ये दिन के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहे हैं चार्ज, एडिशन हो रही है जो चार्जेस की दिन डेज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सूजी की क्वेश्चन बनाते हैं, उसने 5 डे के लिए रखी, 5 में से 3 डे क्या है उसके भी फिक्स होंगे, तो वो उसकी कॉस्ट कितनी है एक्स, देखो ये जो चार्ज है वो चार्ज के इक्वल हो गया, सो ये क्या है 3 दिन का हो गया उसका भी, प्लस उसने एक्स्ट्रा कितने दिन रखा
पाँच में से तीन गए, दो दिन एक्स्ट्रा रखा, तो एक एक्स्ट्रा दिन का वाई चार्ज है, तो दो एक्स्ट्रा दिन का दो वाई चार्ज हो गया। इक्वल टू किसके हैं, कितने था उसका 21 रुपीज़ थे, तो डैट इज़ द सेकेंड इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन बन गई, आप क्या इनको एलिमिनेशन मेथड लगा के क्या सोल्व कर लोगे। सो आज हमारी क्या 3.4 एक्सरसाइज क्या कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।